हम जिंदगी में आपको पहली बार जिंदा देख रहे हैं। इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोल नहीं, टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है? बोले आपको छू के देखना चाहता। मैं कहा छू ले। फिर उसमें पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम। अरे मैं कहा बड़ा कमाल का आदमी, क्या नाम है? बोले ललन यादव। मेरी स्टाइल में कह रहा है, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी हो। ये दुआ है कि बद्दुआ? जी ललन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा। अच्छा, ये सारे वार्ड पार्षद ही हैं क्या? ये कॉर्पोरेटर लोग और ये भी जमात? अरे बहुत अच्छे। मैंने बचपन में भैया एक फिल्म देखा था, तीन देवियां, माशाल्लाह सेकंड रो में तीनों देवियां बैठी। आपको आपा आदाब करते हैं, माशाल्लाह। ये मस्तूरात की तादाद कम है, मगर देखो 3 घंटे से मुसलसल दाद दे रहे हैं। इसका रास्ता बताइए। अब बोले ये पीता भी है और जन्नत में भी जाएगा। तो मौलाना साहब का जवाब सुन, एक शराबी ने इत्र फरोश मौलाना से कहा, जन्नत में जाने का रास्ता बताइए। मौलाना साहब बोले 100 रुपए का जन्नत उल फिरदोस लगाइए। बोले धंधा ही कर लो, तो जन्नत में जाने से बेटा 100 रुपए में एक, 200 रुपए में 2 आदमी जाएंगे, वो 500 रुपए में तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, पूरे परिवार को ही जन्नत मिल जाएगी। तो कभी कभी हंसी ऐसी भी आती है, और हंसना चाहिए ना सर। हंसते तो हमारे नबी थे, ऐसी मुस्कुराहट थी कि लोग सरेंडर, दुश्मन भी सरेंडर हो जाता था। हाँ, तो मुस्कुराहट चेहरे में रौनक लाती है ना। एक फोटो लेने पे नूरी बाजी, जब फोटो अच्छी आ सकती है तो बाजी बोला तो भी हंसोगे। बसर साहब, हाँ हम आप लोगों के साथ में रहे नईम भाई, बड़ा किरदार बना के रखे बचा के। तो बाजी जब एक फोटो एक मुस्कुराहट में फोटो अच्छी आ सकती है, तो पूरी जिंदगी में हंसी खूबसूरत बना सकती है जिंदगी। हाँ, मौका आए तो हंसना चाहिए। इनकी बिलाल साहब की बातों में नहीं लगना कि मैंने गजल के साथ गद्दारी नहीं किया। भैया आखिरत के मैदान में बहर मीटर नहीं आमाल तोले जाएंगे। क्यों भाई जान, आंख मिलाओ। हाँ, अच्छी गजल लिख दिए तो जन्नत, हम जहन्नम में जाए। सब लतीफे वाले इतना हंसा रहे हैं आवाम को, हम जहन्नम में जाएं। वाह भाई वाह। देखो सर, यही एक जमात है जमीर भाई, जहां तनकीद होती है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं ना, कभी नहीं बोलते इसको बैट पकड़ने नहीं आता, साला सेंचुरी मारने आया, मगर इस स्टेज में जरूर तनकीद करें। हाँ, कि वो बहर मीटर से खाली और सीन शीन में फर्क नहीं आता, ये सारे यहीं सुन सकते, माइक भर मिल जाए, फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। तो ये सब मत करो भैया, हमने बड़े प्यार से तुमको सुने यार, एक एक शेर में तारीफ की है तुम्हारी, तो तुम भी सुना करो, कोई किसी भी फन का माहिर हो, है ना। चाऊ साहब को तो पूरे औरंगाबाद नहीं हाथ मेरा, खासतौर आप पूरे शहर की मोहब्बत लेके बैठे। चाऊ साहब एक आध चुनाव आप भी लड़ लो। हाँ मैं आऊंगा कैनवासिंग में, वार्ड मेंबर तो बन ही सकते। नहीं बनेंगे? अरे ऐसा मत बोलो। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह। मौलवी साहब, बाजी मौलवी साहब ने खुतबा की जुमे का, पूरी आवाम सुनती रही। बोली जो नेक काम करेंगे जन्नत में जाएंगे, वो बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अब जन्नत में क्या क्या मिलेगा लिस्ट गिना है।
दूध की नदियां, शहद की नदियां, सोने चांदी के पर्वत, फल फ्रूट अखरोट बादाम, पूरी लिस्ट खत्म हो गई। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, जो हुक्के का जिक्र ही नहीं है, उनका दिल नमाज में लगा ही नहीं। बोले ऐसी जन्नत भी किस काम की जहां हुक्का ही नहीं है। वो पहले ही सलाम फेरे वो सर वो सीढ़ी में आके बैठ गए। अब मौलाना साहब बाद में आए तो उनने दो लाइन में सवाल किया और दो लाइन में मौलवी साहब ने जवाब दिया। जवाब के लिए ताली बजाना, सवाल के नहीं। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। जो आग लेने जाएगा तो वो वापिस आएगा? हाँ, लपटे ही ले लेंगे उसे। हाँ, जन्नत में आग हराम है। अरे बड़े मौजूद बाजी, एक जगह निकाह हो रहा था तो मौलवी साहब बड़े खसारे में पड़ गए नाम के धोखे में। तो दुल्हन ने लड़ाई कर ली। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। ओ दुल्हन, ये साउंड ठीक आ रहा है पीछे तक? हाँ भैया, नहीं तो ये आवाज गूंज रही तो मैं सोचा कि मेरे कानों में गूंज रही। मौलाना साहब ने निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। वो दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली, नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। दोनों का झगड़ा शुरू हो। आपको निकाह मंजूर है? बोले, नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलाना साहब बोले, रजिस्टर में अपना नाम भर लो, वो मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई। मस्ती में जीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहली दुल्हन थी, मगर निकाह दो थे, एक पढ़ी लिखी मुहज्जब दुल्हन। अब उनके पास गए रजिस्टर लेके, उनने केवल 5 लाइन में निपटाई मौलवी साहब को। जैसे ही बोले वो पढ़ी लिखी से कि आपको निकाह मंजूर है, दुल्हन बोली, मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? ये पहली लाइन नहीं, ताली बजनी चाहिए। मैंने बहुत से निकाह देखा जमीर साहब उधारी में हो जाते। वो धीरे से अगर शोहर पहले मर गया तो 5 औरतें और बैठ जाती, बेटा बख्श दे नहीं तो जहन्नम में जाए, वो मेहर भी बख्शवा लेते। तो दुल्हन बोली, मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो मोटरसाइकिल है ना वो भी हमारी। जिंदगी में आई मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, अरे जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। ये गाना आप सबने सुने होगा। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, अब आप सब बताएं देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बना।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते। अरे वो गया तहजीब का जमाना भाई, हम जब मम्मी डैडी के साथ फिल्म देखने जाते थे जमीर साहब, उस टाइम हमारा जमीर जिंदा था। नहीं इनका तो है ही नहीं, हमारा मर गया ना यार, उस टाइम हमारा भी जिंदा तो थिएटर में पहले ही रुमाल लेके जाते थे। और जब ऐसे सीन आते थे लता जी का गाना तो आंसू बहते थे, तो पूछते थे ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं जरा याद करो। मोहम्मद रफी साहब के गाने आते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था चाऊ साहब, कुछ सीखने को मिलता था। हाँ नहीं चाऊ साहब बोलो तो मैं रात भर यही बोल सकता, अगर आपको इसी में मजा आ रहा है तो अपने को कुछ करने की जरूरत है। कितनी मोहब्बत करते हैं चाऊ साहब। बिग बॉस में जो आपका नाम घड़ी रखे थे वो वाकया बोल। अच्छा वो भी वाकया बोल रहे ठीक, अगला मुशायरे में बुलाओगे? सब अभी सुन लो कि कभी तो सुना दिया सब। नहीं अपने पास 3-4 घंटे का मैटर है, आप जब बुलाओगे अपन नई दुकान खोलेंगे। मगर देखो इतने अच्छे गाने देखते थे, अब फिल्में क्यों लिखी जाती है, गाने क्यों लिखे जाते हैं, वो गाता क्यों है हीरो समझ में नहीं आता। हीरोइन लेटी है, हीरो आके पूछ रहा है ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख ले। हाँ बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। अभी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ बेचारी हीरोइन है कि इच्छाधारी नागिन है, हैं कुछ भी कहते हैं कुछ भी लिख देते हैं। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, और दिल्ली से गई पटना, और फिर भी ना मिला सजना, अब तू औरंगाबाद तो आई ना। हाँ, सारे सजना तो यही ले, और कोई पसंद ना आए तो चाऊ साहब अच्छा सजना ही नहीं। और चलो वो भी नहीं आए समझ में तो इम्तियाज साहब तो इतने बेहतरीन सजने, इम्तियाज साहब से और हमारे ये माशाल्लाह दो दो सजने बैठे, मगर ऐसे जी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े बड़ी बड़ी मोहब्बत भैया आपकी। जी नहीं 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 बाजी, ऐसे ऐसे गाने ना बच्चों के सामने देख नहीं सकते। एक दिन बच्चा होमवर्क कर रहा है, हम दोनों देख रहे हैं, तो हीरोइन आई और हीरो कह रहे हैं सर कई लोग खटिया जाड़ा लगे, वो जाड़े में बलमा बड़ा प्यारा लगे। तो मैंने कहा ये अब खटिया सरकेगी, बाप बेटों को नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा ये भागेगा उठ के, वो तो होमवर्क छोड़ा ऐसा हाथ फाड़ के थी। मेरे कोई शर्म आई भैया, मैं ही बाहर चला गया। 5 मिनट बाद बच्चा बाहर आया, बोले पापा चलो वो सीन निकल गए। ये ऐसे बच्चे बिल्कुल, और ऐसी फिल्में इम्तियाज साहब देखने जा नहीं सकते, क्या दिखा दें कहाँ क्या बता दें, बोल ही नहीं सकते। हाँ ऐसे खतर खतरना। हाँ एक गाना और चाऊ साहब के लिए, मैंने देखा उसमें, अरे बाप मैं तो रात भर गाने ही बताऊ ना, मुशायरा ही हो जाए पूरा, लेकिन अपने को मुशायरे को मुशायरा बनाना। जाओ साहब आ जाओ, ताली बजा दो जाऊ साहब। वाह वाह शुक्रिया बहुत, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भैया, हम औरंगाबाद पहली बार बुलवाए थे। हाँ पंचक्की एरिए में वहाँ इस्तकबाल किए थे हमारा, है ना दरबार में, बहुत अच्छे रऊ साहब। अल्लाह ताला जल्दी आपकी दूसरी शादी करे आपके सुकून के लिए, अगर पहले में खुश हैं तो माशाल्लाह, नहीं तो भाभी फतवा दे देंगी तुमको, कहेंगे तुम यही करवाने आए थे। तो फिल्म दुनिया की हीरोइन की गजब ढाती है, ऊटपटांग गीत गाती है, हीरो के सामने आई और बड़े प्यार से गीत गाई, लड़की कमाल की आंखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते, अपने देश के सैनिक कारगिल की जंग लड़ने पहाड़ी पर क्यों जाते। जितनी हीरोइन है सब सरहद पे लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धना धन गोलियां चलाती।
वो जितने दुश्मन है सब ढेर हो जाते, अपन बिना खर्च बिना शहादत के जंग जीत जाते। कविता समाप्त हो गई, अब बजा सकते।